सूरत के कमिश्नर द्वारा पत्रकार परिषद करके बताया कि सूरत शहर के लिम्बाद विस्तार में 3.5 साल की बच्ची के साथ हत्या व दुष्कर्म की घटना हुई। उस अपराधी अनिल यादव को बिहार के बक्सर जिले के मनिया गांव से 19 तारीख को बिहार पुलिस की मदद से सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस अपराधी को सूरत पुलिस सूरत में लाई है। इसके साथ साथ सूरत पुलिस कमिश्नर बिहार पुलिस कमिश्नर को मदद के लिए धन्यवाद दिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसके नाम है सेफ एंड सेफ सीट और सभी समाज के बच्चों को जागृत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन डीसीपी डीवी चौधरी कर रहे हैं। अभी तक 5 कार्यक्रम स्कूल और सोसाइटी में किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ 350 पुलिस जवानों को इस काम के लिए ट्रेंड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, सूरत। सूरत शहर के लिम्बायत इलाके में 14 अक्टूबर को एक 3.5 साल की बच्ची के साथ हत्या और दुष्कर्म की घटना हुई थी। उस अपराध में जो अपराधी अनिल यादव नाम का लिप्त था, उस अपराधी की बिहार के बक्सर जिले के मनिया गांव से 19 तारीख को सूरत पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से गिरफ्तारी की। उस अपराधी को आज सूरत में लाया गया है। इस गिरफ्तारी में बिहार पुलिस ने जो हमारी मदद की है, मैं उसके लिए आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। जब हमें इस मदद की ज़रूरत पड़ी तो हमने वहां के पुलिस महानिदेशक श्री और वहां बक्सर ज़िले के पुलिस अधीक्षक से जब बात की तो उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और दोनों स्टेट्स ने इस तरह से मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। इस काम को पकड़ने में हमारी यहाँ से जो टीम गई थी उसमें लिम्बायत पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स और जवान थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी सराहना करता हूँ। ये जो केस हुआ है और इसके पहले जो 3 केस सूरत में 2 डिंडोली अठवा में हुए हैं, इन सभी केसों का हम इनका इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी पूरा करके और इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करके और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 3 केसों का इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरा हो गया है और इस केस का आरोपी भी पकड़ा गया है, तो इसका भी हम जल्दी से इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। सर, अपराध को अंजाम देने के बाद किस तरह से अपराधी यहाँ से फरार हुआ? जहाँ तक इस तरह के मामले हो रहे हैं उसको देख के हमें ये पता लगता है कि अपराधी या तो कोई परिचित होता है या पड़ोस में रहने वाला होता है या जो भोग बनना होता है उसका रिलेटिव होता है। तो हमारी ये कोशिश है कि कैसे बच्चों के आसपास का वातावरण सुरक्षित किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रख के हमने कैंपेन लॉन्च किया है सेफ होम सेफ स्ट्रीट नाम का, जिससे हम सभी समाज के सभी वर्गों को बच्चों की सुरक्षा के प्रति के लिए जागृत कर रहे हैं और इसके लिए अलग अलग माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे DCP विधि चौधरी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। अभी तक 5 कार्यक्रम हमने 3 स्कूलों में और 2 सोसाइटी के इलाकों में जाके किए हैं और लगभग 500 पुलिस के जवान, करीब 350 पुलिस के जवानों को भी इस काम में ट्रेन किया गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर फैक्ट्री, हर स्कूल, हर इलाके में जाके लोगों को इसके बारे में जागृत करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और इस काम में हमने सभी वर्गों की मदद मांगी है। लगभग सभी वर्गों ने हमें मदद दी भी है। बहुत